myself. Take me right back to the start. Good morning, मेरा नाम है पंचन और आज है 3 तारीख 3 फरवरी और आज फिर से सुबह 6 बजे उठना पड़ा, 9 बजे की क्लास थी और बस ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मिलता हूँ जल्दी। गुड मॉर्निंग, अब बस बहुत लेट हो रहा हूँ, आज 7:50 हो गए मेरे को यहाँ से निकलते हुए, पहुँच तो जाऊँगा, 8:04 की ट्रेन भी है, 7:56 की ट्रेन भी और 6 मिनट डिलेट भी चल रही है ट्रेन, बट हाँ आज थोड़ा लेट हो गया। आज एक्चुअली मेरा थोड़ा लंबे लेक्चर्स भी है, आज मेरे 9 से 12 का एक सेमिनार है, फिर एक घंटे का ब्रेक, फिर 1 से 4 का एक और सेमिनार। पोपट हो गया भाई, मैं क्लास के लिए निकला था, इतना सुबह 6 बजे से उठ रहा हूँ और जैसे अभी ट्रेन में बैठा वैसे ही याद आया, वैसे याद भी क्या आया, वैसे ही मैसेज आया फ़ोन में कि क्लास ऑनलाइन हो रही है, कुछ यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है उससे रिगार्डिंग में। इतना गांडू फील हुआ मैं, क्या क्या ही सीन है भाई, मतलब पहले बता देती टीचर तो मैं आराम से सो लेता, सोता नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से जाता नहीं, इतने दूर गया फिर वहाँ से आया, फिर शुक्र है जैसी ट्रेन में बैठा अगले स्टेशन में ब्रोकली में उतरा और फिर से वापस आया, बट फिर भी टाइम वेस्ट होने का काम है, बट क्या ही कर सकते हैं। बस अभी क्लास ख़त्म हुई है और अभी कुछ खाने की तैयारी कर रहे हैं, अनुभव भाई है किचन में, आज तो थक गए भाई, कैसी कैसी क्लासेस थी क्या ही बताऊँ, और सामने और ये देखो ब्रेकिंग बैड चला हुआ है, अभी बस शुरू किया देखना, जेसी पिंक मेन ये दोस्तों क्या ही बोलूँ, चोद हो गया एक बहुत बड़ी। अनुभव नीचे किचन में बैठा था, वो फ़ोन चला रहा था और मैं ट्रिमिंग करने गया वो बाथरूम में, उसकी चाबी अंदर ही रह गई है और वो बाहर से खुद ही लॉक हो गया कि मेरे से हुआ, मेरे को ये भी पता नहीं चला और अब फंस चुके हैं, कुछ काम नहीं है, कैसे ही बताऊं क्या ही हो रहा है, फंस चुके हैं, अब देखते हैं क्या होता है, अपडेट देता हूं बट होपफुली कुछ ना कुछ हो जाए। बाय द वे दाढ़ी खुद की है ट्रिमिंग, होप सो बेकार नहीं लग रही हो। तो आजकल दोस्तों ना यहाँ पे यूके में आजकल स्कैम हो रहा है, हम बताते हैं, मैं बताओ कैसे क्या से। तो यहाँ पे गाइस ये स्कैम चल रहा है कि जो यहाँ के जो एनजीओज है ना, जो चाइल्ड अब्यूज के विक्टिम है, मतलब जब वो छोटे थे उनके साथ अगर कोई मतलब कुछ क्राइम हुआ है, मतलब कोई उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पीड़ित जो होते हैं मेन, हाँ तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना फेक आईडीज बना के बच्चों के नाम से, और जो जो मतलब पीडोफाइल्स होते हैं जितने भी, चाहे यूके के हो एशिया कंट्री के हो, पर टारगेट ज्यादा एशिया कंट्री के कर रहे हैं, हाँ तो वो क्या करते हैं कि फेक आईडीज बना के तुमसे मैसेज करते हैं और वो तुमसे ना वो चीज निकलवाना चाहते हैं जो मतलब तुम्हारे अंदर है, वो कैच करते हैं, तो बताते हैं कि 13 एज मतलब अंडर एज कोई लड़की है और वो मतलब एक तरीके से सेक्स चैट करते हैं उनसे, टू बी ऑनेस्ट सेक्स चैट करेंगे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जहाँ पे भी आप होंगे वो करेंगे, और वो फिर इन दी एंड एज कंक्लूजन वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे और मतलब जैसे तुम जाओगे उस लोकेशन पे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे एंड पाए जाओगे, टू बी ऑनेस्ट पाए जाओगे, वो लोग क्या करेंगे पुलिस को वहां पे बुला लेके, वहां पे चार उनकी टीम एक तो बहुत बड़ी होती है भाई, जितनी वीडियो देखे बहुत बड़ी होती है, ऐसे पकड़ा होता है इंसान को जैसे जानवर हो, फिर उसको उसको बताएंगे, हमने कम से कम 5-7 केस तो हम देख चुके हैं, हमने बहुत सारे फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत देख लिए, मोस्ट ऑफ द जितने भी विक्टिम्स मतलब अभी तक पकड़े गए हैं वो हमने पाकिस्तान कंट्री हाँ, के देखे, पाकिस्तान इंडिया इंडियन भी देखे हैं, बट इंडियन एक या दो देखे थे बट एक हाँ, देखा है शायद, हाँ एक इंडियन पर वो भी मुस्लिम है, पर इससे कोई मैं वो बोलना नहीं चाहता जो भी है, बट द मेन थिंग जो है कि अगर यहाँ पे आ रहे हो ना भाई काम से काम रखो, क्यों ही किसी पचने पड़ना है, वैसे भी ये चीज तो मतलब वैसे भी क्राइम है ना अगर तुम किसी मतलब अंडर एज लड़की के साथ हाँ, सेक्स चैट करोगे तो वो ये तो क्राइम वो तो इंडिया में भी है, तो एज कंक्लूजन ये होगा कि तुमको डायरेक्टली डिपोर्ट कर देंगे, तुम्हारा पैसा सारा खराब हो जाएगा और बदनामी होगी और शायद फाइन और जेल, फाइन और जेल भी है, हो सकता है इंडिया में भी इनपे केस चले या कुछ क्रिमिनल एक्ट कुछ भी चल सकता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब इस चीज को ना डायरेक्टली रेप कंसीडर किया जाता है एक्चुअली में, ये भाई उन्होंने बोला भी था, बोला भी है उन्होंने इसको डायरेक्टली रेप कंसीडर, यहाँ पे जो मतलब रेप की जो पेनल्टी है जो फाइन है और जो जेल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन नहीं है यूके के अंदर, तो भाई खुद को सेफ रखो, खुद को सेफ रखो, टू बी ऑनेस्ट
अगर खुद सेफ रहोगे इतना इतना सोच के रखना कि माँ बाप ने कितने पैसे लगा के भेजा है उसको ध्यान में रखना। और आज की न्यूज़ यही थी मेन, बाकी हम अपडेट देते रहेंगे अगर हमको ये अपडेट मिलता है। सी यू। बाय। तो गुड नाइट दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है और मिलते हैं कल नए दिन के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट और जय श्री राम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय। Yeah.